शादी करने के लिए आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं? अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग, एजुकेटेड, राइट? आपके पेरेंट्स भी शायद आपके लिए कुछ ऐसा ही चाहते होंगे, लेकिन शायद हम अभी भी उस जमाने में रहते हैं जहां लोग आज भी ऐसी लड़कियां चाहते हैं जो अपने माँ बाप के घर से भारी भरकम दहेज लाएं, उसका पति उनकी मर्जी के बिना उसके साथ जो चाहे करे और उसके बाद वो मुंह पर टेप लगाए रखे। क्योंकि ना तो दहेज प्रथा हमारी समाज से खत्म हुई है और ना ही मैरिटल रेप हमारे लिए एग्जिस्ट करता है। और ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचेगा कि ये किसी थर्ड टायर सिटी के अनएजुकेटेड लोगों की कहानी है। गुना में मैं आपको आज एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने IIT लड़के से प्रताड़ित होकर सालों से चली आ रही दहेज प्रथा के सामने दम तोड़ दिया। सारी जिंदगी इस दर्द को बर्दाश्त करने से ज्यादा आसान उसे फांसी के फंदे पर लटकना लगा। इंदौर में रहने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की, नाम श्रेया सिंह, उम्र 28 साल, लॉ ग्रेजुएट, बेकरी का शौक रखती थी। श्रेया के पिता अखिलेश प्रताप सिंह म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद से रिटायर्ड हैं और श्रेया की माँ एक हाउसवाइफ है। श्रेया दूसरी बेटी थी। माँ बाप ने बड़े धूमधाम से अपनी छोटी बेटी की शादी इसी साल 12 जुलाई को MP के खड़गांव में पोस्टेड ASP तरुणेंद्र सिंह बघेल के बेटे वरुण बघेल से की थी। वरुण ने IIT से पढ़ाई की। वरुण की माँ भी एक गृहिणी है, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छे औहदे पर पिता, दूर से देखने में सब कुछ अच्छा। कौन परिवार अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार नहीं चुनेगा। श्रेया ने भी घर वालों की बात मान ली और शादी करके ससुराल चली गई। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन वरुण ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। श्रेया के साथ बदतमीजी, मारपीट, गाली गलौज और यहाँ तक कि अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की। श्रेया के परिवार ने बताया कि वरुण श्रेया को उदयपुर ले गया, वहां उसे मानसिक प्रताड़ना दी। शायद वरुण किसी और से शादी करना चाहता था, वहां बात नहीं बनी और श्रेया से उसकी शादी पसंद से नहीं हुई थी। दिन पर दिन वरुण का रवैया श्रेया के साथ खराब होता चला गया। वरुण ने श्रेया को नाकाबिल बताया, श्रेया को कहा कि वो उसके लायक नहीं है। दहेज में गाड़ी ना मिलने पर ताने मारे, शराब में नशे की हालत में धुत होकर उसके साथ ही सब करता रहा। उदयपुर से माउंट आबू ले गया, वहां भी श्रेया को 2 दिन कमरे में अकेले बंद छोड़ दिया। हार कर श्रेया ने अपने घर वालों को बताया तो सास के कहने पर वरुण उसे इंदौर वापस ले आया। इसके बाद वरुण की माँ और पिता ने भी श्रेया को खूब बुरा भला कहा, दहेज न लाने पर ताने मारे। इसके बाद वरुण अचानक बेंगलोर चला गया। गुस्सा कर श्रेया की सास ने श्रेया की माँ को फोन किया। श्रेया को कहा कि जब तक हमारे पसंद का दहेज ना ले आओ तब तक घर मत आना, तुमसे परेशान होकर मेरे बेटे ने घर छोड़ दिया है, उसे अब उसके पसंद की गाड़ी दिलाओ, जो कुछ वो चाहता है वैसा ही करो। श्रेया की माँ के सामने भी उसे जलील किया गया। बेटी के ससुराल का मामला था तो माता पिता चुप रहे। 26 जुलाई को श्रेया अपने घर वापस आ गई। शादी के दूसरे दिन से ही श्रेया को प्रताड़ित किया जाने लगा। वरुण ने शारीरिक और मानसिक रूप से श्रेया को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया, श्रेया बहुत परेशान हो गई और उसे जबरदस्ती उसे माउंट आबू भेज दिया गया। माउंट आबू जाने के बाद भी उसे वहाँ पे वरुण ने शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया। और यहाँ जब श्रेया ने उसके अपने सास ससुर से ये सारी बातें बताई कि वरुण इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं और गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके सास ससुर भी उनकी बातों में शामिल हो गए। जो लड़का बोल रहा है वही करो और गाड़ी तो चाहिए वरुण को, तो वो तुम उसकी डिमांड को पूरी करो। उसके बाद भी वरुण और उसके परिवार वाले नहीं माने, वो लगातार श्रेया को कॉल करते रहे और मानसिक प्रताड़ना देते रहे। इस बीच उनकी बहन ने उन्हें थेरेपिस्ट से मिलाया, लेकिन वरुण ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। 23 अगस्त की रात श्रेया को एक फोन कॉल आया, फोन वरुण का था। वरुण ने श्रेया से तकरीबन 50 मिनट बात की। उस कॉल में श्रेया और वरुण के बीच क्या बात हुई ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने श्रेया की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। श्रेया का खुद पर से, अपने आसपास के हर किसी से भरोसा खत्म कर दिया। 25 अगस्त की सुबह सुबह तकरीबन 5:30 बजे श्रेया ने अपने घर के कॉमन हॉल में फांसी लगा ली। श्रेया ने आत्महत्या कर ली, लेकिन हम सब जानते हैं कि आत्महत्या नहीं थी। और ऐसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो हर रोज ही सहती हैं और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो अपनी जान दे देती हैं। कुछ ससुराल में जलकर मर जाती है, उसे हादसे का नाम दे दिया जाता है। सुनने में दकियानूसी लग रहा होगा, लेकिन ये सब होता है और आज भी होता है।
ये बस कहानी नहीं है, किसी की सच्चाई है। श्रेया के केस में उनके ससुर सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए पुलिस ने कई सबूत होने के बावजूद सुसाइड नोट मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की। 18 सितंबर को कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। श्रेया के ससुर और सास को बेल मिल गई, लेकिन कोर्ट ने वरुण की बेल रिजेक्ट कर दी। इसके बाद भी इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक वरुण जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। शुरू से ही पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। कई बार हमने पुलिस कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन करी, एक बार, दो बार, तीन बार हमने कंप्लेन करी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। फिर हमने कोर्ट में एप्लीकेशन देके और कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। 18 सितंबर को एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन आज दिनांक तक गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की भी। मैं चाहती हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरी बेटी को न्याय मिले। मुझे न्यायपालिका पर पूरा पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और उसके दोषियों को सजा मिलेगी। श्रेया का परिवार, उनके दोस्त अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस बस बहाने दे रही है। खैर, हम आते हैं गुनाह में, आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, शायद आपके लिए महज एक कहानी होगी, लेकिन ये किसी के परिवार का सच है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। श्रेया का परिवार तो लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग हार मान जाते हैं और उन बेटियों को, उन लड़कियों को कभी न्याय नहीं मिलता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।